नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सरकार का एक फैसला और कंपनी के शेयर धारकों की पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कैपिटल की बर्बादी। एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से कंपनी बड़े ट्रबल में आते हुए दिख रही है और उससे भी ज्यादा बड़े ट्रबल में आ गए हैं इनके निवेशक। आज की बात करूं तो लगभग 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सारे के सारे टोटल शेयर होल्डर्स की बात करी जाए तो, या शॉर्ट में अगर आप कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कंपनी का टोटल मार्केट कैप आप आज 900 से 1000 करोड़ के बीच में टूट गया है। इस कंपनी का 900 से 1000 करोड़ का मार्केट कैप शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि पहले 5000 5500 करोड़ का मार्केट कैप था और आज 4500 करोड़ का रह गया है तो आपको लगेगा यार ये तो 20% चला गया। जी हाँ, स्टॉक का नाम आप लोग समझ गए होंगे, स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प। निवेशकों का केवल एक ही सवाल है, भाई जो हो गया सो तो हो गया, आगे के लिए बता दीजिए क्या करें। क्या हम एवरेज करके अपनी कॉस्टिंग कर लें या फिर छोड़ के चले जाएं, जो मिल रहा है वही ले लें, बस इतना बता दो। प्रॉब्लम ये भी है कि ये स्टॉक FNO में भी है तो फ्यूचर्स जिनके पास है वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कॉल जिनके पास थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन जिनके पास पुट थी उनकी लॉटरी भी लगी है। ये तो FNO है ना, यहाँ पे जीरो सम गेम है। अगर किसी का प्रॉफिट है तो किसी का लॉस है, किसी का लॉस है तो किसी ना किसी का तो प्रॉफिट है, लेकिन जो कैश मार्केट में है वो जीरो सम गेम नहीं है। अगर लॉस है तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, ये जस्टिफाई नहीं है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो आपका लॉस हो रहा है ना, जीरो सम गेम तो FNO ही है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। इस कंपनी का समय ना एक्चुअली जून 2023 से शुरू हो गया, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में धज्जियां उड़ गई हैं कंपनी के। अगर शेयर के प्राइस की पर्टिकुलरली बात करूं तो 250 रुपए पे जो शेयर था ना वो आज 140 रुपए पे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 250 रुपए वाला शेयर 140 पे आके खड़ा हो गया है और अब भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, फियर फैक्टर पूरा बना हुआ है। क्या हुआ है ऐसा बीते कुछ महीनों में जो इस स्टॉक का इस हिसाब से गिरावट आई है, जो हाल हो गया है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 11 जुलाई 2023 को GST काउंसिल की मीटिंग थी जहां पे उन्होंने सब क्लियर करके ये कह दिया कि अक्टूबर से, यानी जो आ रहा है अक्टूबर, वहां से सारी की सारी गेमिंग एंड ऑनलाइन कैसीनो कंपनीज पे 28% का GST लगेगा, जिसपे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आया डेल्टा कॉर्प पे, नजारा टेक पे, ऑनलाइन ऑन मोबाइल ग्लोबल पे। ठीक है जी, ये तीनों स्टॉक्स बुरी तरीके से टूटे अगले दिन इस अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन ऑन मोबाइल ग्लोबल और नजारा टेक रिकवर कर गए सेम डे, पर डेल्टा कॉर्प नहीं करता है। और वो दोनों रिकवर इसलिए कर गए क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा ऑनलाइन गेमिंग से जो है, एक कहता है कि केवल 7% है और दूसरा कहता है हमारा तो है ही नहीं, 3-4% है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो जब निवेशकों को ये सारी चीजें समझ में आई तो वो दोनों स्टॉक्स रिकवर कर गए, बट डेल्टा का क्या करें, 85% कैसीनो से आ रहा है, 15% गेमिंग से आ रहा है, पूरा का पूरा यही कारोबार है, उनके लिए तो वहां मार पड़ी थी। फिर निवेशकों को धीरे धीरे समझ में आया कि ठीक है, डेल्टा कॉर्प एक बड़ी दिग्गज कंपनी है, अपने आप को संभाल लेगी और रिस्ट्रक्चर करेगी अपने प्लांट्स को, और जो डेल्टा कॉर्प में जाता है कैसीनो के रूप में एंजॉय करने या फिर कैसीनो वगैरह खेलने या गेमिंग के लिए एंजॉय करने, जो भी है वो GST नहीं देखेगा, वो पे कर देगा, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा। तो 250 वाला 180 आया और 180 से दोबारा 200 का हो गया, लेकिन कल जो अनाउंसमेंट आई है उसने पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है निवेशकों की और पूरी तरीके से कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जैसा कि मैंने इनिशियल आपसे कहा, शुरुआत में ही कहा वीडियो की, कंपनी का टोटल मार्केट कैप 5000 करोड़ का था, ठीक है, अभी तो वो भी नहीं रह गया, 4500 करोड़ के करीब का रह गया। इस कंपनी पे GST लगा है लगभग वेट ऑलमोस्ट 16,800 करोड़ का, 16,800 करोड़ का टैक्स बकाया है इस कंपनी पे, सरकार कह रही है भरो। सन 2017 से लेकर 2022 के बीच का ये बकाया जो है टैक्स है, जो टैक्स कह रही है सरकार आपने नहीं भरा है वो भरो, बकाया है आपका, रह गया है 16,800 करोड़। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 4,500 करोड़ का है, 2,200 करोड़ के रिजर्व्स हैं, कहां से लाए भैया ये 16,800 करोड़। कंपनी के ऊपर 11,000 समथिंग करोड़ का टैक्स निकला है जो बकाया है, और कंपनी की 3-4 सब्सिडियरी कंपनी है जिन पे टोटल मिला के 5,000 समथिंग करोड़ का टैक्स बकाया बताया गया है।
कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और कंपनी ने कह दिया हम आपके खिलाफ केस लड़ेंगे पर हमारे बस की नहीं है टैक्स वैक्स देना। हाँ, केस हार गए फिर तो आगे पीछे कुछ भी करो देना ही पड़ेगा। अब यहां पे एक ही चीज है जो आगे राहत दे सकती है निवेशकों को। एक बार सेम टू सेम गेम्स क्राफ्ट करके कंपनी है, यही केस हुआ था। जीएसटी का नोटिस भेजा गया 21,000 करोड़ का, जहां पे कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंसमेंट आई कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट से कि इसको रद्द किया जाता है और कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जीएसटी। तो वो कंपनी को रिलीफ मिली। सेम टू सेम डेल्टा कॉर्प कोशिश करेगा, अगर ऐसा हो गया तो रिलीफ बाउंस बैक, भरना पड़ा तो डिस्ट्रॉय खत्म। अब इस सारी चीजों से एक ही चीज समझ में आती है, आपको खरीदना नहीं है, एवरेज नहीं करना, क्योंकि इफ और बट है। जिनके पास कैश में है वो बैठे रहें, क्योंकि यहां से डाउनसाइड भी कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, गिर जरूर सकता है यहां से, नो डाउट। मैं कह रहा हूं 120 भी आ जाए 100 भी आ जाए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 16,800 करोड़ रुपए मामूली नहीं है ना। आपके पास रुपए है 2,000 करोड़, 16,800 करोड़ का आपको टैक्स चुकाना है। बेशक आप केस लड़ रहे हो, आपके फेवर में आ गया, ठीक, नहीं आए तो अब मुझे लगता है डेल्टा कॉर्प अगले कुछ महीनों के लिए पूरा खत्म है, तो इसको अवॉइड करने की राय होगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो है, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।